एक बार बताओ किशोर जी, सच्ची सच्ची बताना, आप अभी कितना बढ़िया बात बोले ना, क्या भाजपा जैसी ताकत से लड़ना है। मलाल तो नहीं है कि ये क्या कर बैठे, एक बार का मुख्यमंत्री पद पाने के चक्कर में, अच्छा वाला भाजपा का साथ था, भाजपा के चक्कर में ऐसे फंसे कि ना पार्टी रही, ना विधायक रहे, ना साख रही, ना फैसले रहे। किशोर जी कितना मलाल है अब इस बात को लेकर, बने रहते जैसे पहले बन गए थे, छोड़े थे ना भाजपा का साथ, नतीजा आया तो फिर जुड़ के मान ही लिया था कि भाजपा ही अब बड़ा भाई। इस बार चुनौती आपको कितना रास आई? नहीं नहीं ये देखो, हिमांशु विजय सिंह को अच्छे से मालूम है जी, मैं उद्धव जी से तब मिला जब उद्धव जी ने मुझे बता दिया जी कि ये बहुत बहुत ही ज्यादा रीजनल पार्टियों के खिलाफ चल रहे हैं जी, यह एक पक्षीय प्रणाली देश में लाना चाहते हैं। तो हमने बहुत विचार करके बीजेपी से नाता तोड़ा है। अब हमें ये सब प्रताड़ना से, देखो इन्होंने हमारी पार्टी चुरा ली, हमारी पार्टी चुरा। कल के निर्णय से तो सबसे ज्यादा बेचारे दुख में बैठे हुए हैं अजीत पवार जी, जो सीएम बनने की राह में थे, लेकिन उनको भी बीजेपी ने गुट्टी दे दी। तो मैं अभी बता रहा हूं, हमने एक कन्विक्शन के साथ बीजेपी का साथ छोड़ा है। और पाटन तोड़ते हो तो अगर आप हिंदू विरोधी हो जाते हो